So guys, GoPro is ready, तो बिना देरी करके लेके चलते हैं। Guys, सोनू ने अपने खड़ा कर दिया पार्किंग लॉट के अंदर। Okay, and tell me what's wrong. Hey YouTube, welcome back to my new vlog. So guys, आज का एक नया दिन और एक सुहानी शुरुआत इस दिन की। तो आज हम जाने वाले हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग जगह पर, बेसिकली एक जिद को पूरा करने के लिए जो आरव की डिमांड आ रही है शाम से। उसने घर में हल्ला मचा रखा कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। तो लेकिन हम उसको देखने जा रहे हैं, किस तरह से पसंद करेंगे आज कि मतलब उसमें क्या फंक्शनैलिटी है उसकी चीज़ की देखेंगे। बेसिकली आप फर्दर ब्लॉग में आज देखोगे जो आगे ब्लॉग में आने वाला है, तो उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो हम उसको बेसिकली पसंद करके आएंगे कि आरव को कौन सी चीज़ पसंद आ रही है उसमें। एंड तो नेक्स्ट हम फिर उसके बाद अभी उसको फाइनल करके लेके नहीं आएंगे, हम एक सोच रहे एक छोटा सा सरप्राइज प्लान करेंगे गाइज उसके लिए, जो फर्दर हम व्लॉग्स में आपको दिखाएंगे जो सरप्राइज उसके लिए होगा। एंड उसको एकदम से शॉक कर देंगे उसको दिखा के, मतलब एक तरह से एकदम स्टन कर देंगे ये दिखा के कि, और उसके मुंह पे जो स्माइल आएगी उसे कैप्चर करके आपको भी दिखाएंगे। तो एक नया कॉन्टेंट हो कह सकते हो आप, एक हम अलग से शूट करेंगे उसके लिए। तो चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर गाइज, सो लेट्स गो फैम। So guys, GoPro is ready, तो बिना देरी करके लेके चलते हैं इसको अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। So guys, our GoPro is finally ready, तो बिना देरी करे इसको लेके चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ और कुछ सिनेमैटिक्स भी ट्राई करेंगे शूट आउट हो जाए, ताकि लेकिन नाइट टाइम हो चुका है तो आई गेस थोड़ी दिक्कत आने वाली है सिनेमैटिक्स लेने में, बट डे टाइम में हम यूजली निकाल ही लेते हैं सिनेमैटिक्स। तो चलते हैं GoPro लेकर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। Wow! Beautiful! Go! Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue. So guys, finally गाने सुनते सुनते हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, बस अपनी डेस्टिनेशन को रीच करने वाले हैं। एंड यहाँ पर चल रहे हैं गाने, जैसे आप देख सकते हैं, तो चलते हैं फटाफट से। सोनू ने अपने खड़ा कर दिया पार्किंग लॉट के अंदर एंड हम चलते हैं मैकडोनल्ड्स की तरफ, ताकि अब भूख लगने लगी थी। एंड जहाँ हम जा रहे थे एक्चुअली वो बंद होगी जगह, तो बैड लक थोड़ा सा आज हम एक्चुअली लेट हो गए, तो दैट्स वाई। बाकी चलते हैं मैकडोनल्ड्स की तरफ एंड अपनी पेट पूजा करते हैं थोड़ी सी। Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your... So guys, finally we are sitting back to our home. और इतना कुछ खास इंटरफेस नहीं मुझे आया, अगर इनकी मतलब इनका सर्वर डाउन था तो कोल्ड ड्रिंक उठा ही रहा था वो। एंड सेकेंड थिंग इज कि इनकी जो सॉफ्ट सर्व थी, सॉफ्ट सर्व के लिए मशीन ही ख़राब थी, मतलब वनीला जो आइसक्रीम है बेसिकली उसकी भी मशीन ही ख़राब थी, तो वो भी हम अवेल कुछ मतलब खरीद नहीं पाए यहाँ से। तो आज काफ़ी ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस रहा मेरे से, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। चेक करने गाइस, अब चलते हैं। फिलहाल हम सोच रहे हैं कि डोसा खाते हैं पहले, एंड ये भी सोच रहे हैं कि वहीं से एक आइसक्रीम शॉप है तो वहीं से आइसक्रीम ले लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आइसक्रीम इनकी मशीन ख़राब हो गई थी, बाकी वो बहाना था कि आई डोंट नो ली दैट मैटर। तो चलते हैं फटाफट से, पहले सोचते हैं डोसा खाते हैं। तो गाइस पहले तो जहाँ पे हम जा रहे थे आरो का सामान लेने के लिए वहाँ की शॉप बंद हुई, एंड यहाँ पर भी आइसक्रीम नहीं मिल पाई। एंड कोल्ड ड्रिंक इन्होंने ऑफ कर रखी थी, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं मिलेगी, पता नहीं कि इनका सर उठा गया था, थोड़ा सूखा सूखा सा मूड हो गया, तो बेकार सा मूड हो गया थोड़ा, खा के मज़ा नहीं आया, मतलब कोल्ड ड्रिंक साथ नहीं खाया जाता है, थोड़ा सूखा सूखा सा लगता है। तो देखते हैं अब डोसा के लिए सोच रहे हैं डोसा खाते हैं, फटाफट पहले चलते हैं। इतना ही, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तब तक के लिए गुड बाय।